वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैं थड़े सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। द प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 4 आया है, इसका जीके प्लस जीएस का सेट नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने सेट 7 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस ग्रुप डी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में मानक कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण किसकी जो ओर झुक जाती है। देखिए, जब भी सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण जो होता है अभिलंब से दूर चली जाती है। कहाँ चला जाता है? अभिलंब से दूर चला जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रकाश की बात आया है तो प्रकाश की बात की जाए तो वायु और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है सबसे अधिक होता है और उसका चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ये डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाता है। और प्रकाश की जो चाल होता है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ये भी चीज़ आप जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होगा। अगर मान लीजिए ये गोला है, मान लीजिए चाहे गोला का है कुछ भी है, अगर ये घर्षण नहीं करेगा ना तो जैसे ही छोड़िएगा ये डुगुड़ते चला जाएगा, घर्षण ही के कारण रुकाव होता है। बात को समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए कोई वस्तु, ये एक वस्तु है, आप इसको ठेल रहे हैं इधर, आप इधर से आप धक्का लगा रहे हैं, इधर घर्षण है, मान लीजिए रोडे पर है घर्षण है, तो अगर घर्षण होगा तो वस्तु को आगे आप ढकेलिएगा तो दिक्कत होगा। अगर घर्षण नहीं होगा तो यहाँ से ढकेलते चल जाइएगा, एकदम कहीं नहीं रुकेगा, हरा के आगे तब बढ़ेगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु कभी नहीं रुक सकता, एकदम ढुगुड़ ले जाएगा। ठीक है, घर्षण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और सर्पिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जो होता है ये दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ के समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, न्यूमेरिकल है कि एक क्रिकेट गेंद का द्रव्यमान 250 ग्राम है, बल्ले से 10 मीटर पर सेकंड से टकराता है तथा समान चाल से 0.01 सेकंड में वापस लौट जाता है, तो बल्ले पर आरोपित बल की गणना कीजिए। अब देखिए, गेंद का द्रव्यमान दिया है कितना, 250 ग्राम, यानी कि ये क्या हो गया, एम हो गया। भी कितना हो गया जी, वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 250 ग्राम को अगर केजी में, द्रव्यमान क्या होता है, केजी में होता है, 250 ग्राम को अगर केजी में हम कन्वर्ट करें तो इसे लिख सकते हैं 250×10⁻³ केजी, कहिएगा जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। टी आपका यहाँ पे दे दिया है, टी जो बात है ये कितना है, 0.01 सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है एफ, एफ बराबर होता है एम ए, क्या होता है, एम ए होता है, और ए बराबर हम कह सकते हैं वी बट्टा टी, क्या हो सकता है, वेलोसिटी बट्टा त्वरण। क्या त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी जितना समय में चेंज हो जाता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टा टी, तो एम बराबर हो जाएगा एम इंटू वी बट्टा टी। एम आपका कितना निकल के आ गया किलोग्राम में, 250×10⁻³, भी आपका कितना है 10, समय कितना लग रहा है जी, तो 0.01 लग रहा है। तो अगर हम इसमें गुना भाग करें, अब देखें ये ऊपर 10 है, अगर इस 10 को नीचे लेके आ जाएंगे, ये 10⁻³ है, ये कितना हो जाएगा, नीचे जैसे ही आएगा इसको काट के नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब 100 को 0.1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक,
यानी कि एक गुना 250 यानी 250 न्यूटन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में ही 250 है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकेंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। समय दिया है टी, कितना दिया है एक सेकेंड, क्यू यानी कि क्यू कितना दिया है 20 कूलम, तो हमसे क्या पूछ रहा है धारा, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, बात को समझिएगा, क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बट्टा टी, तो ये हो जाएगा क्यू कितना दिया है 20, टी एक, तो धारा कितना हो जाएगा 20 एम्पियर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी न्यूमेरिकल है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 2 ओम है, ये जो है ना ये 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, तो ए और बी के बीच तुल प्रतिरोध क्या होगा। ये देखिए, ये अगर ये प्रतिरोध देखेंगे तो ये समानांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी के लिए अगर तुल प्रतिरोध हमको निकालना होता है तो अगर 1/R इक्विवेलेंट कहें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी 2 3/2, ये क्या हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये आपका हो जाएगा, नीचे 2 है 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 ओम, ये टोटल 2/3 ओम है, ठीक है। और ए और बीच के, अब ये भी 2 ओम है, बात को समझिएगा, अब ये इन तीनों का जो समानांतर में है इनका योग क्या कितना आ गया 2/3 ओम, अब ये 2/3 ओम हो गया, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया सीरीज में हो गया, जो सीरीज में आ गया तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट बराबर होता है आर वन प्लस आर टू, क्या होता है सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं आर वन प्लस आर टू, तो 2/3 प्लस 2, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 × 2 = 6 यानी कि 8/3 क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं 2 पूर्णांक 2/3 भी कह सकते हैं, तो देखते हैं क्या दिया है 2 पूर्णांक 2/3 ओम, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील एम द्रव्यमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, वेग कितना है जी 5 मीटर पर सेकेंड, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, 1/2 m आपको निकालना है, m ही निकालना है, ठीक है, और भी कितना दिया है 5 का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा 25, ये 25, ये 25 जो है इस 25 को काट देगा, तो m का मान कितना हो जाएगा, m का मान 2 kg हो जाएगा, m का मान क्या हो जाएगा 2 kg हो जाएगा, m का मान 2 kg, जब m का मान 2 kg आ गया तो हमसे क में क्या पूछ रहा है, m का मान 2 kg आ गया, हम अब इसको हम क्या करते हैं क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, उसी तर्ज पर हमने m का मान 2 kg निकाल लिया, याद रखते हैं m का मान 2 kg आया था। यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वेग को दुगना करने का मतलब है कि पहले 5 था, अगर आप दुगना कर देंगे तो वेग कितना हो जाएगा 10 m/s, बात को समझिएगा। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv², m कितना है 2, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए सर, 2 से 2 कट गया, यानी कि उसका वेग कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा, 100 जूल, क ख रहा क में आ गया, ख कहता है यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब वेलोसिटी कितना है 5 है, 3 गुना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, अब कह रहा है इसका गतिज ऊर्जा अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m कितना है 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 v², 2 से 2 कट गया, यानी कि 100 जूल और 225 जूल राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, स्टार मार्क इस पे लगा लीजिए, इस तरह के प्रश्न जो है कंसेप्चुअल, अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी इधर उधर है तो आप नहीं बना पाइएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा है, तो घाघरा जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, और घाघरा नदी दक्षिणी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप माप्चा चुंगो हिमानी से निकलती है, ठीक है, और यहाँ से ये नेपाल में प्रवेश करती है, इसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैस ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है, तो ये कौन थे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने अपने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया था, और ये 1905 ईस्वी में भारत माता का चित्रण तपस्विनी के रूप में किया गया था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय राज्य जनवरी 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो ये केरल करेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न, तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है। वस्तु का एम कितना दिया है जी, 5 किलो। द्रव्यमान कितना दिया है, 5 किलो। एच कितना है जी, 10 मीटर। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये होता है MgH, ठीक है, MgH। एम कितना है, 5। जी कितना ले लें, 9.8, नहीं गिवेन है तो 9.8 ले लीजिए। एच कितना है, 10। 15 50, 50 को 98 से 9.8 से गुना कीजिएगा, ये 490 जूल आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या हो जाएगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो वस्तुओं के बीच का जो बल होता है डायरेक्ट 9 गुना हो जाएगा, जैसे 3 गुना कीजिएगा वो जाके 9 गुना हो जाएगा। ये फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F बराबर होता है Gm1m2/r2। कुछ नहीं करना है, बल को यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना, अगर यही देखिए m1 को 3 गुना 3m1, m2 को 3 गुना 3m2 कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, r2 9 गुना, बल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि 400 किलोग्राम की त्रिज्या वाले किसी ग्रह पर यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 2 m/s² है तो ग्रह पर प्लाइन वेग क्या हो जाएगा। प्लाइन वेग का एक फॉर्मूला होता है V2gr, क्या होता है, यही प्लाइन वेग का फॉर्मूला होता है। देखिए 2 तो मान दिया है, स्मॉल जी का मान कितना दिया, 2 m/s 2, और त्रिज्या का मान दिया 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर को अगर मीटर में हम बदल दें तो 400 × 10³ हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 2×4 यानी 400 × √10 m/s, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लाइन वेग का फॉर्मूला होता है √2gr। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है, मछली बंदर सुअर खरगोश। तो सुअर जो होता है ये फीता कृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान होता है। फीता कृमि एक अमेरुदंडी परजीवी होता है, यह रीढ़धारी प्राणियों जैसे मानव शरीर के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में निवास करता है। निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है, तो अघुलनशील सेलुलोज जो होता है अघुलनशील आहारीय रेशा का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5N, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है, बीजोजनित रोग नहीं है पूछा गया है, तो आलू में होने वाला मोजाइक रोग जो होता है ये बीजोजनित रोग नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस रोग में पौधे हल्के और गहरे हरे रंग के रंगों में दिखाई देने लगते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इसमें किससे संबंधित है,
तो संविधान का अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कुशीनगर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की महापरिनिर्वाण 483 BC में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कौन सा यूरोपीय राष्ट्र तटस्थता नीति और स्वीकृति रूसी नेताओं की अपनी 200 साल पुरानी परंपरा से हट गया है? तो ये स्विट्जरलैंड जो है ये हट गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक मृतोपजीवी है? मृतोपजीवी जो है ये मोनोट्रोपा जो होता है ये मृतोपजीवी होते हैं और मोनोट्रोपा सफ़ेद होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इनमें से कौन सा उत्तक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? तो वसा संग्रहित जो करता है ये वसा उत्तक जो होता है ये प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी पेशी जो होती है ये सार्टोरियस है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्टोरियस जो होता है मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कुल्हे को घुमाने जोड़ने और घुमाने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा। अगला प्रश्न है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है वो ऑक्सीटोसिन है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सर्कोलेम्मा वह झिल्ली होती है जो ढकती है। तो सर्कोलेम्मा वह झिल्ली होती है जो मांसपेशी फाइबर को ढकती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तने में प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? तने में प्रकाशानुवर्तन जो होता है ये ऑक्सिन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य में से किस राज्य में स्थित है? तो ये रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है। चलिए फुलकारी भारत किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी जो है भारत को पंजाब राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांथा कढ़ाई बंगाल में प्रचलित है। कांथा जो है ये बंगाल में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 2- से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है और नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा बनाया गया, ठीक है। और भारतीय संविधान में एकल ही नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने कि सोडियम सल्फेट के घोल और बेरियम क्लोराइड के घोल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या है? तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 को इसका अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो या अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन जो होता है, इस प्रकार नए पदार्थ या तत्व प्राप्त होते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा भी संतुलित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। एक पदार्थ एक लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। अगर एक पदार्थ एक लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और मिथाइल को ऑरेंज को बदलकर पीला कर देगा, क्या कर देगा? पीला कर देगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्र में एक्स वाई तथा जेड विलयनों में से किस समुच्चय के कण आकार को सूचित करता है?
तो एक्स वाई जेड हमसे पूछा गया है विलयन में निलंबन किस समुच्च के कण को, तो ये कह सकते हैं कि विलयन में निलंबन कोलाइड वास्तविक विलयन समुच्च के कण के आकार को सूचित करता है। तो निलंबन कोलाइड वास्तविक विलयन को सूचित करता है। निलंबन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले फैले रहते हैं, और निलंबक में विलायक कणों का आकार जो होता है 10^-8 cm की कोटि का होता है, तथा विलेय कणों का आकार जो होता है 10^-3 से 10^-4 की कोटि का होता है। कोलाइड जो होता है एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से क्या होता है, इस निलंबन से छोटा होता है। और कोलाइड में विलेय कणों का आकार 10^-9 से लेकर 10^-7 तक होता है। और वास्तविक विलयन में उपस्थित विलेय के कण आण्विक आकार के होते हैं, और वास्तविक विलयन के कणों का जो व्यास होता है ये आपका होता है 1 angstrom से 10 angstrom के कोटि का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट डैश का एक उदाहरण होता है। तो आर्सेनिक सल्फाइड जो सॉल्ट होता है ये कोलाइड का एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं फिर भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। तो देखिए एल्युमिनियम धातु जो है एल्युमिनियम धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। और तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उभयधर्मी धातु या बहुत सारे हैं, जिंक है, एल्युमिनियम है, बहुत सारा है। उभयधर्मी धातु सिलिकॉन है, नोबेल धातु आपका भी है, बहुत सारा है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न यौगिकों में अणु किसका आण्विक द्रव्यमान सर्वाधिक है। किसका आण्विक द्रव्यमान सर्वाधिक है, H2O2Cl2CH2CH4 किसका हमसे पूछ रहा है कि आण्विक द्रव्यमान H2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2 × 16 = 32 हो जाएगा। Cl2 का देखेंगे Cl2 यानी कि 35.5 × 2 × 75 = 71 हो जाएगा। ठीक है उसके बाद हमको लग रहा है 71 ही और Cl2 ही का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है CO2 का देखेंगे CO2 ये आपका हो जाएगा 12 × 24 अच्छा 30। C2H6 का देख लेंगे यानी सबसे ज़्यादा क्लोरीन Cl2 ही का होगा, Cl2 का होगा सबसे ज़्यादा। इकहत्तर है Cl2 का आणविक द्रव्यमान सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक हमसे पूछा है कि सर्वाधिक किसका है। तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा Cl2 का देखेंगे 16 × 32 32 12 44 Cl2 का 44 है यानी ऑप्शन के हिसाब से तो इसके हिसाब से Cl2 हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में Cl2 दिया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया, ढाका में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। अल्प्स पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है। तो किसके अंदर, तो बेल्जियम के स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। तो CEO अभी कौन है, तो VK त्रिपाठी हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिए गए 4 शब्द 3 ये आपका रीजनिंग का आगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, कि इल्मेनाइट डैश का एक ऐसा खनिज है। इल्मेनाइट जो है ये आपका टाइटेनियम का एक अयस्क खनिज होता है, टाइटेनियम का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। CaCSO का तुल्यांकी भार दिया गया परमाणु भार CH40S32 तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा। CaSO4 का देखेंगे तो CaSO4 यानी कि CH40 S का 32 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 4 = 64 ये हो जाएगा 64 4 × 2 = 6 136 हो गया यानी 136/2 कर देंगे यानी कि 68 हो जाएगा। तो क्योंकि परमाणु भार बटा संयोजकता ही होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फायरफॉक्स क्या है, तो फायरफॉक्स एक निःशुल्क वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कायिका कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है। तो इसका अनुप्रयोग क्या है जंतुओं के जनीय क्लोनिंग के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, तो ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए शीर्ष अदालत द्वारा 5 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था, तो इंदु मल्होत्रा को, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार वर्ष 2008 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। और कौन सा देश भारत स्थित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने जा रहा है, तो ये कौन जा रहा है, तो इसराइल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने जा रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।